मनरेगा योजना के तहत बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती की बात सामने आ चुकी है। मनरेगा कर्मियों का मानदेय में कटौती की जाएगी। जो धरना दे रहे थे मनरेगा कर्मी अभी 1 मई से 3 मई के बीच में। चलिए वीडियो में अपडेट पहले बता देते हैं तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रामीण विकास विभाग का फरमान, पदयात्रा में शामिल मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती करें। ग्रामीण विकास विभाग ने आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा कि कामकाज छोड़ आंदोलन कर रहे सभी कर्मियों की पहचान कर उनके मानदेय की कटौती अविलंब की जाए। विभाग ने पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले मनरेगा कर्मचारियों ने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में राजभवन रांची तक पदयात्रा की थी। पदयात्रा अन्य सभी जिलों में भी की गई थी। इसके बारे में हमने आपको वीडियो दी हुई थी कि हाँ 1 मई से 3 मई तक ये मतलब जो आंदोलन था ये होने वाला था। ठीक, मतलब कि ये धरना जो था। विभाग ने मनरेगा कर्मियों की मांगों पर गौर किया। सभी जिलों DDC को पत्र लिखा कि मनरेगा कर्मियों की मांग जिसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सेवा शर्त में सुधार आदि मामले विचाराधीन हैं। ऐसे परिस्थिति में जबकि मामला सरकार के पास विचाराधीन है तो कर्मियों द्वारा इस तरह के आंदोलन को विभाग की ओर से गलत बताया जा रहा है। विभाग ने अपर सचिव चंद्रभूषण ने सभी जिलों को कहा यदि किसी मनरेगा कर्मी के उक्त पदयात्रा शामिल होने की संपुष्टि जिला द्वारा की जाती है तो संबंधित मनरेगा कर्मी के मानदेय में कटौती की जाए। झारखंड राज्य मनरेगा संघ के अध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि मनरेगा कर्मियों के प्रति सरकार का रुख सही नहीं है। विगत 1 मई से 3 दिनों की पदयात्रा के बाद सरकार ने मनरेगा कर्मियों के हित में कोई कदम उठाने के बजाय पत्र जारी कर 3 दिनों का मानदेय कटौती करने का आदेश भी जारी कर दिया। 18 अप्रैल को संघ की ओर से पदयात्रा की सूचना सरकार को दी गई थी। बाकी हमने आपको इसके बारे में बताया हुआ था कि ये मतलब आंदोलन और धरना होने वाला है और ये भी बताया था कि इसके बारे में जो अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। तो यही अपडेट आई हुई है। बाकी अपडेट तो बहुत बड़ी है, मेन चीज़ें ही केवल हम आपको बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे ऐसा मनरेगा कर्मियों का कहना था। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः सरकार से अपील की कि समस्याओं के समाधान के लिए यदि सरकार पहल करती है तो आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है, अन्यथा इस आंदोलन की जवाबदेही सरकार की ही होगी। ठीक, तो यही थी अपडेट। तो आप सभी को बता दें मनरेगा कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर 1 से 3 मई तक धरना प्रदर्शन दिए थे और ये झारखंड में धरना प्रदर्शन हुआ था। ठीक, झारखंड में धरना प्रदर्शन हुआ था तो वहाँ की सरकार ने आदेश जारी किया है कि 3 दिन जो भी धरना दिया है उन्होंने मनरेगा कर्मियों ने उनके मानदेय में कटौती की जाएगी। अब जो भी सरकार को लगा हो पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जो अपडेट आई थी मैंने आपको बता दिया। तो क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया हुआ था जब धरना होने वाला था तो धरने का रिजल्ट यही निकला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में भी अपडेट आगे बताएंगे वीडियो में जो भी आएगी। लेकिन इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।